अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? ठीक हैं? तो आज की इस वीडियो में हमने एक सोलर इन्वर्टर 2 KV का बनाया है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए अपलोड की ताकि जो दोस्त ये कार्ड हमसे ले रहे हैं तो उनको इसकी फिटिंग में, इसके वायरिंग में आसानी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, ये ड्राइव कार्ड है जो कि आप हमसे लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है IGBT ड्राइव कनेक्टर। अगर आप ये MOSFET नहीं यूज़ कर रहे, हैवी लोड यूज़ कर रहे हैं, हैवी लोड के लिए ये ग्रिप यूज़ करेंगे। ये ग्रिप यूज़ करके आगे आप H ब्रिज 16 MOSFET लगा दें या IGBT 200-300 एम्पीयर में इंडस्ट्रियल IGBT लगा दें, ठीक है। वो आप अपने लोड के हिसाब से करेंगे। और ये ड्राइव कार्ड हम आपको देते हैं इसके बगैर, ठीक है। आपने ये 4 MOSFET लगा लेने, 40-63 लगाएंगे, बहुत हैवी लोड के लिए बेहतरीन रह जाता है। 47-60 460 ये भी नॉर्मल, यानी अच्छा लोड उठाते हैं। तो ये भी हमने इसमें IRF 460 लगाई है और बेहतरीन रिजल्ट है इसका। और ये देख ले, ये लोड के हिसाब से जंपर है, ठीक है। और ये CT है और कैपेसिटर हमने बाहर ही 2 लगा दिए, 470 UF के लिए। 470 UF के 2 कैपेसिटर हैं। ये हमारा बटन है, ये सप्लाई, 2 फैन और ये इनपुट कनेक्टर। और ये हमारा ग्रिप आ रहा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, ठीक है। और ये देख लें, ये हमने इसकी फ़ैन की नेगेटिव, ओके, क्योंकि पॉजिटिव इन दोनों की मिली हुई होती है, तो हमने फ़ैन की जो पॉजिटिव है वो डायरेक्ट हमने सप्लाई की आउटपुट के ऊपर ही लगा दी है। सप्लाई की पॉजिटिव को हमने बटन लगाया, बटन लगा के पॉजिटिव को यहाँ पे ले आए, नेगेटिव हमने यहीं से ही, ये देखिए ये पूरे कार्ड की नेगेटिव इकट्ठी है ना, तो यहाँ से हमने नेगेटिव लेके इनपुट की नेगेटिव और कैपेसिटर की नेगेटिव, सप्लाई की नेगेटिव इधर इकट्ठी कर दी और उसकी जो पॉजिटिव आई वो बटन के थ्रू क्रॉस करवा के हम यहाँ पे ले आए। ये हमारी पॉजिटिव आ गई, ठीक है, ये हमारे कार्ड को सप्लाई मिल गई। नेगेटिव वहीं से आ गई, पॉजिटिव ये आ गई और यही पॉजिटिव वहाँ से हमने फ़ैन को ले कर डायरेक्ट दे दी और फ़ैन की नेगेटिव इस ट्रांसिस्टर के थ्रू यहाँ से ले कर वायर हमने इसको नेगेटिव दे दिया, ओके हो गया। और ये 7 सेगमेंट के ग्रिप हैं, ये हमने डिस्प्ले लगाया हुआ है। और ये 2 वेरिएबल हैं, इस वेरिएबल को आपने कुछ भी नहीं कहना। FX जो है इसको आपने चेंज करना है, इससे आपके आउटपुट वोल्टेज वैरी होंगे, लेकिन ये फिक्स है अभी 220 वोल्ट के ऊपर। अगर आपके वोल्टेज कम या ज़्यादा है तो इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये बस तकरीबन यहाँ पर रखते हैं हम रूटीन में। और ये कनेक्टर आ गया, ये आप देख सकते हैं इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है इसकी और ये नेगेटिव है और ये इसके आउटपुट 220 है, ओके हो गया। ये 2 फैन है और ये इसका कनेक्टर है, ऊपर वाला कनेक्टर इसका आउट इनपुट का है, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, ओके। ये इसे कैपेसिटर को दे दी पावर और ये इसे कनेक्टर पे ले आए और ये हमारी आउटपुट है, इसे AC आउटपुट का कनेक्टर हमने डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके हो गया। और ये इस कनेक्टर पे हमने कुछ भी नहीं लगाना जहाँ ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट लिखा हुआ है। वो 2 कनेक्टर इनपुट आउटपुट के हो गए और ये फ़ैन के लिए हो गया और ये 12 वोल्ट प्लस माइनस, ओके हो गया। किसी भाई को ये कार्ड चाहिए या एक कंप्लीट 2 KV का चाहिए तो अच्छे और होलसेल रेट पे हम आपको दे सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये सामने फ़ोन नंबर आप देख सकते हैं, कार्ड के ऊपर भी लगा हुआ है ये, इससे आप रब्ता करके फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, रब्ता करके आप हमसे ये ख़रीद सकते हैं। क्वान्टिटी में लेने पर आपको ये सही रेट दिया जाएगा मज़ीद कंसेशन के साथ। तो अब मैं इसको भी ऑन करने लगा हूँ, आप देखिएगा कि मैं बटन इसका ऑन करूँगा और ये डिस्प्ले को हम सामने रखते हैं, ये बटन ऑन कर दिया। तो मैंने इसमें कुछ तकरीबन 10 सेकंड का हमने डिले लगाया इसमें, अब ये देख सकते हैं अभी, ठीक है। ये DAN दानियाल, ये हमारी शॉप के नेम के हिसाब से आ जाते हैं सामने लोगों में। ये 338-37 वोल्टेज, ओके, ये ठीक है, 210-15 वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं। ये LED ऑन होगी, इसका मतलब हमारा इन्वर्टर सेक्शन बिल्कुल ओके और A1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब हम आपको अपने वोल्टमीटर से आउटपुट चेक करवाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करवाते हैं। ये अब इसके हम आउटपुट वोल्टेज चेक कर रहे हैं, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है और ये AC वोल्टेज, ठीक है, 230 AC वोल्टेज आ रहे हैं।
तो अगर अभी किसी दोस्त को समझ ना आई हो और कुछ चीज़ रह गई हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो हम आपको मुहैया करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दानियाल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।